तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। एक शख्स नशे की हालत में ट्रक की चपेट में आ गया, वही उसकी मौत हो गई। दृश्य देखने वाले के बीच हड़कंप मच गया। लोगों ने घटनास्थल पर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना रीवा के सिविल लाइन थाना की है। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डेका मोहल्ले में एक युवक ऑटो से उतरकर कहीं और जा रहा था। वह नशे की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इतने में वह टक्कर खाकर गिर जाता है। इस दौरान पीछे से नगर निगम का ट्रक निकल रहा होता है, जो युवक को कुचलते हुए आगे बढ़ता है। घटना होते ही लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। युवक को देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और भीड़ को हटाती है। युवक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिविल लाइन सब इंस्पेक्टर आरके वर्मा का कहना है कि लोगों ने घटना की जानकारी दी है। लोगों ने बताया कि शख्स को नगर निगम के वाहन ने कुचला है। पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।